दोस्तों, नाभि में मणिपुर चक्र होता है और यह ब्रह्मा जी का निवास स्थान माना गया है। इस स्थान का बहुत बड़ा योगदान है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नाभि कमल से हुई है। गर्भ में बच्चे का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा होता है। वह बच्चा ब्रह्मनाल के द्वारा नाभि से जुड़ा रहता है। जन्म के बाद उस नाल को काट दिया जाता है। यह एक प्रक्रिया हो गई जन्म की। दूसरी प्रक्रिया इसी स्थान पर भोजन जाता है। यहीं से पूरे शरीर को उसका पोषण प्राप्त होता है और यहीं पर वायु भी जाती है और पूरे शरीर को 10 प्राणों के द्वारा समान रूप से विभाजित होती है। अंगों की टूट फूट मरम्मत की प्रक्रिया भी इसी मणिपुर चक्र के द्वारा पूरी होती है। रावण इसी चक्र के द्वारा अपने कटे हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेता था, किंतु ग्रंथों में इस रहस्य को छुपा दिया गया अथवा ना जानकारी की वजह से नाभि में अमृत बता दिया गया, जो कि आधा सच है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। वह अपने शरीर के बहुत से रहस्यों को जान गया था, इसलिए उसने बहुत ही शक्तियों को जागृत कर लिया था। रावण की नाभि में अमृत नहीं था, यह सिर्फ भ्रमित करने वाली बात है। यदि उसकी नाभि में अमृत था तो वह उस अमृत को नाभि में क्यों रखे हुए था, उसे पी क्यों नहीं लिया? अमृत पीकर वह अमर हो सकता था। प्रश्न वही आता है, अमृत होता तभी पीता, वह अमृत नहीं था तो क्या था? इसका रहस्य किसे पता है? शायद यही इसका रहस्य है जो हमने आपको बताया है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।